नमस्कार साथियों, आज सीखेंगे अपन घनमूल। तो घनमूल में अपने को किसी की घात अगर 1/3 हो तो समझ जाना है कि उसे क्या निकालना है। अपने को घनमूल निकालना है। इसका चिन्ह होता है सेम एज इट इज, अंडर रूट के जैसा। बस यहाँ पे 3 आ जाएगा अपने पास। इसे अपन ने स्क्वायर रूट में देखा था कि यहाँ पे ये स्क्वायर का है, तो इसके यहाँ पे जैसे 3 आ जाएगा तो समझ जाना है इसका अपने को क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले मान लो x है, इसके आगे 3 है, तो समझ जाने से क्या निकालना है अपने को, घन मूल निकालना। अब यहाँ पे अपन एक सवाल लेंगे, दो विधियों से सीखेंगे, एक विधि जिससे आज तक आप सीखते आए हो और एक विधि होगी जिससे अपने हिसाब से या अपनी भाषा में सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन 64 का। तो 64 का सबसे पहले अपन करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए अपन 64 को ले लेंगे यहाँ पे सीधी लाइन और एक ऐसे, तो इसमें देंगे अपन 2 का भाग, कितनी बार गया 3 बार, 2 का भाग कितनी बार गया 2 बार। अब 32, तो 32 में फिर देंगे अपन 2 का भाग कितना 16 बार गया, फिर 16 में देंगे 2 का भाग कितनी बार गया 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार गया 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार गया 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार गया 1 बार। मैंने गुणनखंड पीछे की क्लास में सिखा रखा है, पीछे वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखे ताकि समझने में आपको क्या रहे आसानी रहे। देखो जब तक इसमें भाग देते जाना है कि जब तक लास्ट में क्या ना जाए, एक ना जाए। जैसे एक आ जाए तो अपन क्या करेंगे, गुणनखंड किया अपन ने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है, कितनी बार 6 बार है 2, तो अपन लिखेंगे इसको यहाँ पे 3 लगाना जरूरी है यहाँ पे, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार आ गया 6 बार हो गया, सही। अब अपन ने सीख रखा है कि आधा समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घाते जुड़ जाएगी, जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात 1 कितनी होती है 1, सही। तो यहां हो जाएगा अपने पास 2 की घात 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है, इसलिए इसको सही। अब इनको जोड़ा तो कितना हो गया 2 की घात 6, ठीक है। अब अपन इसको इस रूप में लिख रहे हैं 2 की घात 6 है, तो अंडर रूट की बजाय अपन लिखेंगे इसको इस रूप में, यानी इसकी घात है कितनी 1/3। अब घात के ऊपर भी घात आ गई तो अपन ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगी घाते गुणा हो जाएगी, घाते गुणा होगी यानी 6 गुणा होगा 1/3 से। फिर 2 को गुणा करेंगे अपन, 2 की घात 6 × 6/3। अब भाग दिया इसमें कितनी बार गया 2 बार, यानी 2 की घात आ गई 2, तो इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार, और कितना आएगा 4 आएगा, यानी 64 का घनमूल हो जाएगा 4। ये तरीका हो गया, आज तक आप इस तरीके से सीखते आए होंगे, आपको सर ने सिखाया होगा। आज सीखते हैं अपने हिसाब से अपने तरीके से। तरीके में सबसे पहले यही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। अब सेम ऐसे लिखना है आपको, यहां तक तो सेम है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 सही, और यहाँ पे 3। तो सबसे पहले अपने क्या कर देना है, इसका गुणनखंड कर देना है। अपन ने वर्गमूल में सीखा था कि इसका मतलब होता है चिंगम का चंगुल। आपने कार्टून वीडियो में देखा होगा मोटू पतलू में, उसमें पुलिस वाला होता है, वो कहता है कि चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है। तो अपन उसी का उपयोग करके यहाँ पे सीखेंगे कि मान लो कि ये किसका चंगुल है, चिंगम का चंगुल है। तो वहां पे दो दो भाइयों के जुड़वा बना रहे थे, दो जुड़वा भाई लिए और उसमें से एक को चिंगम खा जाता है और एक को अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो वहां से क्या होता था, अंडर रूट हट जाता था। यहाँ पे घात 3 है, 1/3 है, इसलिए अपन बनाएंगे 3-3 भाइयों के सेम जोड़े बनाएंगे, उसमें से 2 भाइयों को चिंगम खा जाएगा और एक अपने पास बाहर आ जाएगा, सही। तो देखो 3 जुड़वा होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये 3 जुड़वा भाई हो गए, सही, 3 हो गए सेम सेम, 3-3 को जोड़े बनाए सेम, यहाँ पे अपन ने क्या किया सेम जोड़े बनाए। अब इन 3 में से 2 को क्या होगा, चिंगम खा जाएगा और एक अपने पास बचेगा, तो यहाँ से 1-2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 1-2 बाहर आ जाएगा और क्या कर देंगे गुणा, तो ये हट जाएगा इसके ऊपर से,
दो को दो से गुणा किया तो कितना आया, चार आया। यह होता अपने सिंपली तरीका, या आज तक आप इस तरीके से सीखते हैं तो इस तरीके से कर लो, अन्यथा अपने यह है सिंपल, कुछ नहीं है। यहाँ तीन तीन के जोड़े बनाने हैं और दो को हटा देना है, भूल जाना है। जैसे मान लो कोई से भी दो भूल जाओ, सेम ही है, तो दो को हटा दिया और दो यहाँ पे, इसमें से दो यहाँ पे, दो को दो से गुणा किया कितना आया, चार आया। इसको उतारे, एक और उदाहरण लेते हैं इसके बाद। अगला उदाहरण है अपने पास 729। तो इसको अपन जिस अपनी भाषा में सीखा था जैसे उस प्रकार से करेंगे, अन्यथा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब देखो इसमें 729 का सबसे पहले अपने को करना है सिंपली गुणनखंड। अंतिम अंक दो नौ है तो दो का भाग जाएगा नहीं, तो तीन का देखे देखेंगे, अंकों का योग करो, 7 + 2 + 9 कितना हो गया, 9 + 2 = 9, 9 × 9 = 18 में किसका भाग जा रहा है, तीन का, कितनी बार गया, 6 बार। अपने विभाज्यता के नियम या भाजकता के नियम पढ़े थे, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में तीन का भाग जाए तो उस संख्या में तीन का भाग जाएगा। तो तीन का भाग गया उसमें कितनी बार, तीन दुनी छह कितनी बार गया, 2 बार, 1 बचा यहाँ पे, नई संख्या बन गई 12। तीन का भाग गया इसमें कितनी बार, 4 बार। तीन का भाग दिया इसमें 9 में तो 3 बार। अगर आप डायरेक्ट नहीं दे पाओ तो सिंपली अपने ऐसे भाग दे लो, 3 × 3 = 6 2 बार आया 6, 1 बचा और 1 दो को उतारेंगे अपन तो नई संख्या बन गई 12। इसमें भाग दिया कितनी बार गया, 4 बार, ये 0 ये 0। अब अगली संख्या उतारी 9, तो नई संख्या बन गया अपने पास 9। तीन का भाग दिया तो कितनी बार गया इसमें, 3 बार गया, तो ये हो गया अपने 0। आगे 243। अब अंतिम अंक में 2 का भाग नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 के लिए 2 और 4 6 6 और 3 9, तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा 9 में, तो इसलिए पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देंगे अपन कितनी बार गया, 8 बार और इसमें 1 बार। फिर 3 का भाग दिया 27 बार, फिर 3 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1। यानी जब तक अपने को भाग देते चलना है जब तक इसमें लास्ट में क्या ना जाए, 1 ना जाए। अब इसको लिख लेंगे अपन यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और ये इसके ऊपर और यहाँ पे 3। मैंने बताया था आपको तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, दो को चिंगम का जाएगा और 1 बार आ जाएगा अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, जोड़े बनाए तीन तीन के, किसके, तीन तीन के, यहाँ से मान लो कोई से भी 2 को चिंगम खा गया और 1 बाहर आ गया, यहाँ से भी 2 को चिंगम खा जाएगा और 1 बाहर आ जाएगा। कोई सा भी वाले तीन तीन ही है सही, और इसको क्या कर लेंगे अपन गुणा कर लेंगे, कितना आया 9। तो 729 का क्या होता है, घनमूल 9 होता है। उतारे